नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अभी ट्रेलर आया है, दिवाली ट्रेलर। थैंक गॉड मूवी का एक ट्रेलर पहले आ चुका है, एक ट्रेलर अभी आया है दूसरा। और इस मूवी के अंदर है अजय देवगन, सिद्धार्थ, और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं इंद्र कुमार। ट्रेलर की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग के अंदर ही अजय देवगन और आसपास का जो माहौल है वो बना हुआ है देवी देवताओं वाला माहौल, और मोर की आवाज पीछे से आ रही है जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और जो अजय देवगन का लुक है ना वो भी कमाल लग रहा है, और वो बोलते हैं संस्कृत और सिद्धार्थ को आती नहीं है समझ। वो बोलता है भाई कौन सी लैंग्वेज है ये, अजय देवगन बोलता है संस्कृत लैंग्वेज है भाई। फिर अजय देवगन आ जाते हैं कोट पैंट वाले लुक के अंदर, और फिर वो अजय देवगन बोलते हैं इसीलिए हम इस लुक के अंदर रहते हैं ताकि तुमको हमारी भाषा समझ में आ सके। और फिर धीरे से अमेजन प्राइम का किया जाता है प्रमोशन। थैंक गॉड मूवी वालों कितने पैसे मिले। और फिर होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमिताभ बच्चन और केबीसी शो की बातें। ये सोच रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ रहे भाई साहब हमको बच्चा समझे क्या। फिर आता है एक सीरियस वाला सीन, डॉक्टर का सीन आता है और नर्स बोलती है डॉक्टर साहब इसे सीलना है। डॉक्टर साहब फिर बोलते हैं मेरी तो खुद की फटी पड़ी है, मैं क्या सील लूंगा। भाई कहां से लाते हो तुम इतना टैलेंट, नहीं बताओ जरा कहां से लाते हो, मैं भी थोड़ा ले आता हूं ताकि मेरी भी वीडियो चलने लगे। और लास्ट के अंदर अजय देवगन फिर से वो ट्रेलर फर्स्ट वाला शोभा वाला जोक मारते हैं, और सिद्धार्थ कहता है यार पहले इस जोक पे एक बार हंस तो लिया, अब और कितनी बार एक ही जोक पे हंसूं। और फिर अजय देवगन कहते हैं जब तुम एक ही जोक पे बार बार नहीं हंस सकते तो एक ही गम के ऊपर तुम बार बार क्यों रोते हो। यार कसम से क्या डायलॉग है यार, ये बात है ना सीधा का सीधा मेरे दिल पे जाके लगी है भाई साहब, सही बात बोली है, एकदम सही बात है। ध्यान रखना तुम भी और मैं भी ध्यान रखूंगा इस बात का, एक ही बात पे रोना नहीं है बार बार। तो भाई साहब अगर लॉजिक को रख दे साइड के अंदर तो ये जो फिल्म है ना वो फैमिली एंटरटेनर फिल्म होने वाली है। फिल्म के अंदर जो कॉमेडी और जो जोक्स का तड़का लगाया जा रहा है ना यार वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे तो ट्रेलर फर्स्ट और ट्रेलर सेकंड को देखते हुए स्टोरी तो लगभग सबने प्रेडिक्ट कर ही लिया है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट के लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। फिल्म रिलीज होने वाली है 25 अक्टूबर को। इस फिल्म को अगर आप थिएटर में देखने जाओ तो लॉजिक को रख देना घर पे, उसके बाद आप थिएटर जाना तो ये फिल्म आपको दे देगी मजे एंटरटेनमेंट। अगर लॉजिक को लेके गए साथ तो आप कहोगे बनी नहीं वो बात। बाकी अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोज लें।